आज हम मोतियों से तितली बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए देखिए मैंने ये ब्लैक कलर की मोती ली है, रेड और वाइट कलर की मोती ली है, इन तीनों कलरों को मिला के हम तितली बना रहे हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने ये सुई के अंदर मैंने तार डाल रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तितली शुरू करने से पहले हमें इस तरह से चार मोतियों के अंदर गांठ लगा के जॉइंट करना है, और फिर तार के अंदर हमें तीन मोती और डाल के इस मोती के पीछे से हमें सुई निकालनी है, और ये इस तरह से आएगा। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ लेके आनी सुई को, और मोती को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें दो मोती ऐड करने हैं, और इस मोती से हमें सुई को बाहर निकालना है। फिर हमें इस मोती से सुई को लेके आनी है, और फिर हमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद फिर से हमें इस मोती के अंदर जाना है, फिर हमें इस मोती के अंदर जाना है। यहाँ आने के बाद फिर हमें दो मोती ऐड करनी है, और फिर हमें यहाँ से सुई को निकालना है बाहर। ये देखिए, यहाँ आने के बाद फिर हमें इस सुई में, इस मोती में सुई निकालनी है, और फिर हमें इस मोती में सुई निकालनी है। यहाँ आने के बाद हमें एक मोती ऐड करना है, और इस सामने वाले मोती में इस तरह से सुई डालनी है। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद फिर हम ऊपर वाले मोती में आएंगे। यहाँ आने के बाद फिर हमें तीन मोती इसके अंदर ऐड करनी है। तीन मोती ऐड करने के बाद फिर से हमें इस मोती के पीछे से सुई को निकालना है, फिर हमें यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद हमें दो मोती और ऐड करने हैं, ये देखिए इस तरह से दो मोती ऐड करेंगे, और इस मोती के अंदर डालेंगे। इस वाले मोती में डाल देंगे, फिर हमें यहाँ ऊपर आना है, फिर हमें इस मोती में आना है, यहाँ आने के बाद फिर हमें इस मोती में आना है, फिर हमें इस मोती में आना है, यहाँ आने के बाद फिर से हमें दो मोती ऐड करने हैं, वो कर लें। ये देखिए, इस मोती के अंदर फिर हम सुई निकालेंगे, फिर हमें यहाँ आना है, फिर हमें यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद हमें एक मोती ऐड करना है, और वो इस मोती में करेंगे इस तरह। यहाँ आने के बाद फिर हम इस मोती में जाएंगे, फिर हम इस मोती में आएंगे, और फिर हम ऊपर आएंगे। यहाँ फिर से हमें तीन मोती ऐड करने हैं, और इस मोती के पीछे से सुई निकाल लेंगे, फिर हमें इस मोती में आना है। यहाँ आने के बाद फिर से हमें दो मोती ऐड करने हैं, और इस मोती में डालना है, फिर हम ऊपर वाले मोती में आएंगे, फिर इस मोती में, फिर हम इस मोती में आएंगे,
फिर हम इस मोती में आएंगे। यहाँ आने के बाद फिर से हमें दो मोती और ऐड करने हैं इसके अंदर और इस मोती के अंदर डाल दें। फिर हम इस मोती के अंदर आएंगे। फ्रेंड्स, ये हमें उसी तरह से बनाना है जैसे हमने पिछली वीडियो में डॉग की लेग्स बनाई थी, उसी हिसाब से ही हमें ये बनाते हुए आगे जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन और ये चार, ये चार मोती हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे नौ मोती ऐड करने हैं, तो नौ मोती ऐड करेंगे और स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे देखिए, अब हमें आगे और स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमें तीन मोती डालने हैं, फिर दो दो मोती डालेंगे, दो बार दो मोती डालेंगे और एक बार एक मोती आएगा, फिर से तीन मोती आएंगी। तो इसी तरह से हमें ये तितली की जो बॉडी होती है वो बना के तैयार करनी है। वो तैयार करके हम आपको आगे पंख बनाना बताएंगे। फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद ये देखिए, दूसरे मोती पे हमारा धागा है और हमने तार में तीन मोती ऐड किए हैं, दो वाइट और एक ब्लैक कलर का, और इसमें हम पीछे से ऐड कर देंगे और फिर हमें वाइट कलर वाले मोती में जाना है। यहाँ आएंगे, फिर हमें दो वाइट कलर के मोती ऐड करने हैं। ये देखिए फ्रेंड, दो मोती डालने के बाद हम ये पीछे वाले मोती, ब्लैक मोती है, पीछे वाले सुई लेके आएंगे इस तरह से, और फिर इस मोती में सुई को निकालेंगे। फिर हम आएंगे इस मोती में, फिर इस मोती में और फिर इस मोती में आएंगे। यहाँ हमें फिर से दो वाइट कलर की मोती ऐड करने हैं, तो वो कर लें और फिर इस मोती के पीछे से हमें सुई निकालनी है। फिर हम ब्लैक मोती में आएंगे और फिर इस मोती में आएंगे। अब फिर से हमें दो मोती ऐड करने हैं वाइट कलर के, और यहाँ तक हम ऐड करते हैं, दो बार ऐड करेंगे, दो दो मोती, वो करके आपको आगे बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने पहले ब्लैक कलर का और फिर वाइट कलर का मोती ऐड किया था और सुई को यहाँ लेके आए हैं। अब हम सुई यहाँ लेके आएंगे और यहाँ हमें तीन मोती ऐड करने हैं वाइट कलर के, तो वो कर लें। इस मोती के पीछे से आएंगे और फिर इस मोती में जाएंगे, फिर हम इस मोती में आएंगे और फिर इस मोती में आएंगे। यहाँ हमें दो ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर का मोती ऐड करना है, और पहले हम ये तार हमारी छोटी हो चुकी है तो इसे हम नई जॉइंट कर लें, फिर आगे दो ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर का मोती ऐड करेंगे और इसी मोती के पीछे से यहाँ से लेके जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड करने के बाद हमें इस मोती में आना है वाइट वाले में, यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ ऊपर जाना है और हमें दो मोती ऐड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम दो मोती ऐड करेंगे और इस मोती से हमें सुई को निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें मोती ऐड करेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे, उसके बाद हम यहाँ आएंगे, फिर हम यहाँ आएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे।
यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स पहले हमें ब्लैक कलर का मोती लेना और फिर वाइट कलर का, और इस मोती में ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें फिर से वाइट कलर मोती डालने हैं। ये वाले ब्लैक मोती है जो बिल्कुल बीच में आना है, लेके आएंगे। और अब हम यहाँ पे वाइट कलर के दो मोती ऐड करेंगे और इस मोती में हम सुई निकालेंगे। दो मोती ऐड कर लेते हैं पहले और इस मोती में हम सुई को निकाल लेंगे। फिर हम ब्लैक वाले मोती में सुई को लेके आएंगे और ये ऊपर वाला जो व्हाइट मोती है इसके ऊपर लेके आएंगे। इसी तरह से फिर से हमें दो मोती ऐड करने हैं व्हाइट कलर के। उससे पहले हम इस मोती में आएंगे फिर हम आगे वाले मोती में आएंगे यहाँ दो मोती व्हाइट कलर के ऐड करने हैं और इस मोती में से हम सुई को निकाल लेंगे। फिर हम आगे वाले मोती में आएंगे यहाँ में आएंगे। अब यहां हमें फिर से ब्लैक मोती डालने हैं दो। पहले हम इस मोती में आएंगे। अब यहाँ हमें तीन व्हाइट कलर के मोती ऐड करेंगे और इसी के पीछे से हमें सुई को निकालना है। फिर हम आएंगे ऊपर वाले मोती में, फिर हम आएंगे यहाँ आगे वाले मोती में, यहाँ आने के बाद फिर हम नीचे वाले मोती में आएंगे और यहाँ हमें दो ब्लैक कलर के और एक व्हाइट कलर का मोती ऐड करें। फ्रेंड्स यहाँ कॉर्नर पर आने के बाद हमें पहले एक व्हाइट कलर का और फिर दो ब्लैक कलर के मोती ऐड करने हैं और इस मोती के पीछे से ही हमें सुई को निकालना है। इस तरह से ऐड हो जाएंगे। फिर हमें इस मोती में आना है वापस। यहाँ हमें तीन व्हाइट कलर के मोती ऐड करेंगे। इसी मोती के पीछे से हमें फिर से सुई को निकालना है। निकाल के फिर हम इस मोती में आएंगे। अब यहां भी हमें एक व्हाइट कलर का और दो ब्लैक कलर के मोती ऐड करने हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इस मोती में आने के बाद फिर से हमें इसी मोती के बैक साइड से सुई को निकालना है। ये हमारे इस तरह से मोती ऐड हो जाएंगे और फिर हमें इस मोती में आगे जाना है, फिर हमें इस मोती में आना है। यहाँ आने के बाद फिर हम आगे वाले मोती में जाएंगे और दो मोती वाइट कलर के ऐड करेंगे। इस तरह से दो वाइट कलर के मोती ऐड कर ले और इस मोती के अंदर से हमें सुई को निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से इसी मोती के अंदर से सुई को निकालेंगे। और फिर हम इस मोती में आएंगे और इसी तरह से दो दो मोती ऐड करते हुए हमें एंड तक जाना है, यहाँ तक। तो हम यहाँ तक दो दो मोती ऐड करके आगे आपको बताएंगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद हम इस मोती में आएंगे और फिर से हमें दो ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर का मोती ऐड करना है यहाँ पे, और इसी के पीछे से ही हमें सुई को निकालना है। फिर से हमें ब्लैक मोती में जाना है, फिर ऊपर वाले ब्लैक मोती में जाना है हमें, और फिर यहाँ वाइट कलर के वाले मोती में आना है। इस तरह से अब हमें यहाँ भी तीन मोती वाइट कलर के ही ऐड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी मोती के पीछे से ही सुई को निकालेंगे। फिर हम आएंगे इस मोती में और फिर से हमें दो वाइट कलर के मोती ऐड करने हैं। यहाँ आएंगे, फिर हम आएंगे इस मोती में, इस मोती में आएंगे, फिर हम इस मोती में आएंगे, और फिर हम आगे वाले मोती में आएंगे। यहाँ पे हमें एक वाइट कलर का मोती लेना है और एक ब्लैक कलर का, और इस मोती से सुई को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये ब्लैक वाला मोती यहाँ आएगा और वाइट वाला यहाँ आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आएंगे, ये ब्लैक वाला यहाँ और वाइट वाला यहाँ आएगा। अब हमें यहाँ पे दोनों ही ब्लैक कलर के मोती ऐड करने हैं और इस मोती से हमें सुई निकालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे दो दो मोती ऐड करने हैं वाइट कलर के, और फिर हमें जैसे हमने यहाँ पे ये जो ऊपर वाला ब्लैक कलर का मोती है इसके साइड में देखिए यहाँ पे दो मोती आ रहे हैं, उसके बाद ये ब्लैक कलर का आ रहा है, और इसके बिल्कुल सामने ये एक ब्लैक कलर का है और फिर दो, ये एक वाइट कलर का है, फिर दो ब्लैक कलर के मोती हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह ही बनाना है। तो ये बना के फिर हम आपको यहाँ तक बना के बताएंगे। ब्लैक कलर के हमें यहाँ पर मोती डालने हैं, बाकी वाइट कलर के मोती आएंगे तो मैं आपको बना के बताती हूँ। ब्लैक कलर के मोती ऐड करने हैं,
कर लें और इसी मोती के पीछे से हमें सुई को फिर से निकालना है। इस तरह से आएगा। अब हमें यहाँ आना है और यहाँ हमें तीन वाइट कलर के मोती ऐड करने हैं। इस तरह से ऐड करेंगे तीन मोती वाइट कलर के। फिर हम यहाँ आएंगे। फ्रेंड्स ये वाला जो मोती है ये ब्लैक कलर का होगा और ये दो वाइट कलर के होंगे, क्योंकि ये लाइनिंग अब हमारी यहाँ से तिरछे में जाएगी तो ये ब्लैक कलर का मोती होगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आएंगे मोती। फिर हम ब्लैक वाले में लेके जाएंगे सुई को, फिर ये ऊपर वाइट वाले में लेके जाएंगे, फिर हम नीचे वाले मोती में आएंगे यहाँ। फिर हम सुई को यहाँ आगे वाले मोती में लेके जाएंगे और यहाँ हमें यहाँ तक हमें वाइट कलर के मोती दो दो बार ऐड करके, दो मोती ऐड करके यहाँ तक आना है। तो वो हम पहले कर ले फिर आपको आगे बताएंगे। फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद अब ये जो ब्लैक कलर का मोती है यहाँ पे हमें ब्लैक कलर का, यहाँ पे हमें तीन ब्लैक कलर के मोती ऐड करने होंगे। तो इसके इससे पहले देखिए यहाँ पे हमें एक ब्लैक कलर का मोती आएगा यहाँ पे और फिर दो ब्लैक कलर के मोती और आएंगे, तो वो मैं आपको बना के बताती हूँ। फ्रेंड्स ये यहाँ तक आएंगे और अब एक है जो ये वाइट कलर का मोती है, तो इसके ऊपर से भी हमें पूरे सारे वाइट कलर के मोती यहाँ तक लेके आने हैं। दो दो मोती ऐड करते हुए हम यहाँ तक आते हैं, फिर आपको आगे बनाना बताएंगे। फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद हमें फिर से दो मोती ऐड करने हैं और इस मोती के अंदर से हमें सुई को ऐसे लेके आना है, तो वो कर लें फिर आपको आगे बताएंगे। दो मोती ऐड करने के बाद फिर हम इस मोती में आएंगे। फिर हम जाएंगे इस मोती के अंदर। फिर हम इस मोती में आएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ हमें एक वाइट कलर का और दो ब्लैक कलर के मोती ऐड करने हैं और इसी के पीछे से हमें लेके आना है सुई को। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स हम इस मोती में जाएंगे। यहाँ हमें दो वाइट कलर के मोती ऐड करने हैं और इस मोती से ऐसे आएंगे, इस तरह से आएंगे, तो दो मोती ऐड कर लें। फिर हम इस मोती में आएंगे, दो मोती ऐड करने के बाद उसके बाद हम यहाँ आएंगे। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ हमें दो वाइट कलर के और एक ब्लैक कलर का मोती डालना है। फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद हमें एक ब्लैक कलर का मोती लेना है और एक वाइट कलर का मोती इसके अंदर ऐड करना है। फिर से हम इस ऊपर वाले मोती में आएंगे। इस तरह से सुई को ऊपर वाले मोती में लेके आएंगे। यहाँ हमें फिर से एक वाइट कलर का और दो ब्लैक कलर के मोती ऐड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ऐड करेंगे। इसी मोती के अंदर से मैंने सुई को लेके आगे लेके आई हूँ मैं, और अब हम इस वाले मोती में आएंगे वाइट वाले में और यहाँ हमें दो वाइट कलर के मोती ऐड करते हुए यहाँ तक आना है। हम दो दो वाइट कलर के मोती ऐड करते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर हम आपको आगे बनाना बताते हैं कैसे बनाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी लाइन यहाँ तक ना बना के हमने यहाँ आधे तक बनाई है और यहाँ तक ही बनानी है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सामने में आना चाहिए, ये वाला जो मोती है बिल्कुल सामने होगा ना। फिर हमें ये सुई इस तरह से यहाँ लेके आए हैं और इस मोती के आगे से हम निकाल लेंगे सुई को, और यहाँ हम दो वाइट कलर के और एक ब्लैक कलर का मोती ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी मोती के बैक साइड से हमें सुई को निकालना है और ये इस तरह से ऐड हो जाएंगे मोती। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे फिर से हमें दो दो मोती ऐड करके यहाँ तक आना है। तो वो पहले हम यहाँ तक आ जाएं, फिर हमें ये ब्लैक वाले मोती किस तरह से डालना है ये बताऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अब हमें यहाँ दो ब्लैक कलर के मोती ऐड करने हैं और यहाँ ये इस तरह से आते जाएंगे ब्लैक कलर के मोती। तो मैं आपको डाल के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस मोती में हम आएंगे और ये ब्लैक कलर के मोती ऐड हो गए हैं। अब हम सुई को यहाँ लेके आएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ आने के बाद फिर हम यहाँ आएंगे और अब हम यहाँ पे हमें एक वाइट कलर का और दो ब्लैक कलर के मोती ऐड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ऐड करेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे। यहाँ हमें ब्लैक कलर के दो मोती ऐड करने हैं, दो ब्लैक मोती ऐड करेंगे और इस मोती से हमने सुई को निकाल लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पंख बन के तैयार हो चुका है एक साइड का, और एक साइड से आधा साइड जो ये तैयार हो चुका है, और ये आधा साइड भी हमें इसी तरह से यहाँ पे तैयार करना है। तो पहले हम यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेते हैं और गांठ लगा के तार को काट देंगे, फिर हम उधर से शुरू करेंगे और आपको बताते हैं किस तरह से वो बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा साइड शुरू करने से पहले हमने यहाँ पे गांठ लगा ली और इस मोती के अंदर से हमने सुई को निकाला है और तीन मोती ऐड किए हैं, दो ब्लैक कलर के हैं और एक वाइट कलर का है, और इसी मोती से हमें ये सुई को बाहर निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ सुई को लेके आना है, फिर हम यहाँ आएंगे, फिर इस वाइट वाले मोती में आएंगे और फिर आगे वाले वाइट मोती में जाएंगे। यहाँ फिर से हमें दो वाइट कलर के मोती ऐड करने हैं, यहाँ हम दो वाइट मोती ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने दो दो मोती ऐड किए हैं। दो दो मोती ऐड करने के बाद यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही मोती ऐड करना है, वो भी ब्लैक कलर का, और इस ब्लैक कलर के अंदर से हम सुई निकाल लेंगे। इस तरह से ये जॉइंट हो जाएगा और फिर हम इस मोती से सुई को इसी साइड में ही रखेंगे। और फिर हम इस मोती में सुई को ऊपर लेके आएंगे, फिर हम सुई को इस मोती में लेके जाएंगे और यहाँ हमें एक वाइट कलर का और दो ब्लैक कलर का मोती ऐड करना है। देखिए फ्रेंड्स, और इसी मोती के ही पीछे से हमें सुई को निकाल लेना है, इस तरह से ऐड हो जाएंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ हमें दो वाइट कलर के मोती ऐड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दो मोती हमने ऐड कर लिए और इसके अंदर से सुई को निकाल के फिर इसके अंदर से ऊपर लेके आए हैं, फिर यहाँ लेके आए हैं। अब फिर से सुई को हम यहाँ लेके जाएंगे और फिर ये आगे वाला जो मोती है इसके अंदर से हमें ऐसे लेके आनी है सुई को। और यहाँ हमें दो ब्लैक कलर के मोती ऐड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, और इस मोती में हम सुई निकालेंगे
इस तरह से हमारे दो मोती ऐड हो गए। अब हमें फिर से इस मोती में आना है। फिर से हमें इस मोती में आना है। और यहाँ आएंगे हम फिर से इस मोती के अंदर, और यहाँ हमें तीन ब्लैक कलर के मोती ही ऐड करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम मोती को ऐड करेंगे और फिर यहाँ लेके आएंगे ऊपर सुई को, और यहाँ पे हमें इस तरह से गांठ लगा देनी है। एक और गांठ लगा देंगे, फिर हम इस मोती में लेके जाएंगे सुई को, फिर इस मोती में लेके आएंगे। इसी तरह से हमें एक दो मोती के अंदर से तार को सुई को निकाल के और तार को काट देना है। देखिए फ्रेंड्स, एक दो मोती से निकाल के फिर तार को काट देती हूँ। फ्रेंड्स, ये तितली का एक पंख बन के तैयार हो चुका है, और दूसरा पंख भी हमें इसी तरह से यहाँ पे कॉर्नर पर तैयार करना है। यहाँ पे हमने कॉर्नर पर तैयार किया, अब इस कॉर्नर पे हमें तैयार करना है, और सेम इसी तरह से इस साइड में पंख बनाना है। वो बना के मैं आपको फिर बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पंख के जो ये जो डंक होते हैं ये कैसे बनाए हैं, ये मैं बनाना आपको बताती हूँ। फिर पूरी तितली तैयार होगी, आपको दिखा दूँगी कैसे बनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे गांठ लगानी है पहले तार पे। आप चाहें तो पहले इसके अंदर एक मोती डाल देंगे वाइट कलर का, और फिर इसके अंदर हमें गांठ लगा देनी है। पूरी पक्की गांठ लगाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे इसके अंदर नौ मोती हम तार के अंदर डालेंगे रेड कलर के, वो डाल लेते हैं फिर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मोती तार के अंदर डाल लेंगे, सात मोती रेड कलर के और एक ये वाइट कलर का जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब हमें यहाँ पे तितली को ऐसे ही रखना है, और फिर हमें यहाँ पे सुई को लेके आना है, और फिर हम इसके अंदर लेके जाएंगे सुई को। फिर हम इसके अंदर लेके आएंगे, और फिर हम यहाँ लेके आएंगे सुई को, फिर हम यहाँ लेके जाएंगे। यहाँ लेके आएंगे सुई को, और यहाँ भी हमें इसी तरह से नौ मोती ये रेड कलर के और एक वाइट कलर का मोती ऐड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से सारे मोती डालने के बाद अब हमें क्या करना है, ये वाला जो रेड वाइट कलर का मोती है इसे हम छोड़ देंगे, और ये जो है रेड कलर की मोती इसके अंदर से सुई को हम फिर से वापस निकाल लेंगे इसी तरह से। सारे ही मोतियों में से निकाल लेंगे सुई को। फ्रेंड्स, ये तितली बनाने में बहुत ही आसान है, सुई के कारण थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी, वरना ये बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप बार बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आप तक पहुँच सके, और इस तरह से नई नई मैं वीडियो आपको बना के बता पाऊँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये भी बन के तैयार हो चुका है। अब हमें फिर से वापस इसी मोती के अंदर से सुई को निकाल लेना है, और ये देखिए
यहाँ निकालने के बाद एक मोती से फिर से हमें एक बार और निकाल लेना है और यहाँ हम गांठ लगा देंगे और तार को काट देंगे। बस यहीं पे हमें गांठ लगानी है। फ्रेंड्स, इसी तरह से ही तार का जैसे हमने ये बनाया है, तितली बनाई है, वैसे ही इसका घोड़ा भी बनता है। वो भी बनाने में बहुत ही इजी है। उसको भी आप चाहे जितने भी बनाओ, जोड़े से बनाओ या एक बनाओ, आप उसको भी बहुत सरलता से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये भी एक्स्ट्रा जो तार है हम काट देंगे इसको भी। ये इस तरह से तितली के जो ये डंक हो, फ्रेंड्स ये तितली बनके तैयार हो चुकी है। देखने में कितनी सुंदर है, जब इसको हम दीवार पे लगाएंगे तो ओरिजिनल तितली ही लगेगी। और इसके बाद ये देखिए मैंने इस कलर में बनाई है, ये वाइट कलर के एंटीना है इसके, बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है बनाने में, एक बार आप बनाएंगे तो आपको आसान ही लगेगी बनानी। आप चाहे एक बनाएं या पांच बनाएं, मैंने ये पूरा सेट बनाया है और दीवार पे लगाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आप तक पहुंच सके। और मोतियों की जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।